अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आई होप आप लोग भी सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और ये मैं बाहर का व्यू, सुबह का मंजर दिखाने लायक हूँ आपको। कौवों की, कौवे से चाह रहे, परिंदों की भी आवाज़, सारी परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। और सुबह में यहाँ पे नए नए बर्ड्स आते हैं, पेड़ों पर बैठते हैं यहाँ। और अच्छे अच्छे ऑस्ट्रेलियन तोते वो भी आते हैं। ये देखिए कौवे को, कौवा दो तीन दिन से लकड़ी, कभी कुछ जमा करने में, घर बनाने में लगा हुआ है यहाँ पे। कभी लकड़ियाँ लेकर आ रहा है, कभी क्या। ये देखें अपना घर बना रहे हैं। और ये मौसम का हाल है हमारे इधर। अभी हवा तो चल रही है लेकिन अभी तो सुबह है ना, इसलिए थोड़ा मौसम सही है। अभी देखें दिन भर में क्या गर्मी होती है स्टार्ट। और अब मैं अपने किचन में जाऊंगी और मैंने दो पराठे बनाए थे, एक अपने सिस्टर के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। बाकी रात की रोटी रखी हुई थी वो मैंने तल के खा ली चाय के साथ और भिंडी के साथ। कल भिंडी बनाई थी हमने फ्राई और चाय पी ली। चले मैं अपना किचन साफ करती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं चूल्हों की सफाई कर रही हूँ और चिकनाई आ जाती है चूल्हों में तो साफ करते रहना पड़ता है। मैं तो ये चूल्हा निकालने के चक्कर में हूँ दूसरा लाने के लिए, लेकिन देखे कब निकालते हैं। सारा मेरा ये ख़राब हो गया इसके चूल्हे के चक्कर में ना, फंस गया है। इतना कम इसका गैप रखा ना यहाँ से, तो मेरा चूल्हा फंस गया है अंदर जाके। इसको निकालना है और दूसरा लेने के चक्कर में हूँ। ये सारी ये सब चीज़ें ख़राब हो गई इसके चक्कर में, सब टाइल निकल गए, टाइल भी निकल गए सारे। बेतुका हो गया सारा यहाँ से ना, ख़राब हो गया सब सिस्टम हो गया। अब हिला झुला भी नहीं सकते, इतना फिटिंग से आ गया झूला इसके अंदर कि सफाई भी नहीं कर सकती मैं नीचे से इसकी पीछे से। तो इसलिए मैं नए चूल्हा लेने के चक्कर में हूँ। देखें अभी कब करती हूँ इसका इंतज़ाम। और ये मेरा किचन साफ़ हो चुका है और नाश्ते का तो हो चुका है। अब देखें दोपहर में हम क्या पकाते हैं, अभी सोचा नहीं है पकाने का, अभी देखते हैं क्या पकाते हैं। और आज मेरे नवासे की बर्थडे है असलान नवान की, और मैंने तो विश कर दिया है, आप लोग भी विश कर दे मेरे नवासे को, ठीक है। और फ्रेंड देखिए आज हमने डिसाइड कर लिया कि हम दही बड़े बनाएंगे। गर्मियों में दही बड़े अच्छे लगते हैं और ग्रीन चटनी वाले दही बड़े मेरी सिस्टर बना रही है, ये देखिए। और हम पकौड़े फ्राई कर रही हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं फ्राई,
और हम ये रोटी के साथ सर्व करेंगे। और गर्मियों में तो ये ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है, दही बड़े तो शौक से खा लिए जाते हैं। और सुबह से सोच रहे थे क्या पकाए क्या पकाए, तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फिर ये दही बड़े हमने बना लिए हैं। वाओ, इतने मज़ेदार दही बड़े, माशाल्लाह से हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। और ये मेरी सिस्टर ने कंप्लीट कर दिए हैं, इसमें भगार भी लगाया है मिर्च का, साबित मिर्च, जीरा, जीरे का। और अभी रोटी मैं थोड़ी देर में बना दूँगी, अब हम इसको रोटी के साथ इंजॉय करेंगे। आप लोग भी आ जाएं, दही बड़े खा लें। और पकोड़े तो हमारे मेरे मियाँ ने फ्राई करते गए, तो उन्होंने दो तीन पकोड़े ऐसे ही खा लिए, उनको पकोड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं वो। और दही बड़े भी खा लेंगे, लेकिन साथ ही पकोड़े भी शौक़ से खाते हैं, तो बनते बनते ही उन्होंने इतने सारे पकोड़े खा लिए। चले देखते हैं क्या करना है आगे। और फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए हमने चाय बनाई नहीं, आज हमने चाय पी ली। और क्योंकि कल मेरे हस्बैंड वाटर मिलन लेकर आ गए थे, तो वो हमने फ्रिज में रख दिया था काट के, और आधा कल खा लिया था और आधा आज शाम में हमने खा लिया था ठंडा ठंडा। तो इस वजह से हमने चाय नहीं बनाई, क्योंकि गलत हो जाता अगर हम वाटर मिलन खा के फिर उसके ऊपर चाय पी लेते, तो फिर देखना पड़ता है कहीं पेट ख़राब ना हो जाए, ये सब डर लगता है इसलिए। और वैसे भी गर्मी है और अवॉइड करते हैं हम लोग चाय से, तो ज़्यादा नहीं पीते। और रात के खाने में तो दही बड़े हैं वही खा लेंगे अगर भूख लगी तो, वैसे तो इतनी भूख है नहीं, या चम्मच से खा लेंगे दही बड़े थोड़े से। बाकी आज की मेरी ये सब रूटीन थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है, ठीक है। और फ्रेंड, मैंने आपसे आज पूरे दिन की वीडियोस शेयर करी आप लोगों के साथ, आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बाहर का व्यू तो नहीं दे, और मेरी वीडियोस को वॉच करें। और मेरे नए फ्रेंड्स हैं तो वो भी मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैंने आप लोगों को जो मेरी सिस्टर दही बड़े बना रही थी उसकी रेसिपी दिखाई, रेसिपी तो नहीं है, सिंपल से ही बनाए थे, और वो आपके साथ शेयर करा। और अपने जो भी काम होते हैं मैं आप लोग के साथ, अपना फ्रेंड समझ के आप लोगों से शेयर करती हूँ। और चले, अपना ख्याल रखिएगा, जो याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात करूँगी आप लोगों से नई वीडियोस के साथ, कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और आपकी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।